हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। मैंने अभी एक सीरीज़ देखी है जो कि वैसे तो स्पैनिश ड्रामा है, अच्छी खासी इंटेंसिटी भी है इसके अंदर। इसका नाम है द लॉन्गेस्ट नाइट। ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। 6 एपिसोड हैं, 45 से 50 मिनट आप मान के चलो। आगे पीछे का अगर नामकरण आप हटा देते हो, काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग है। बेस्ट चीज़ ये है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो कि अनप्रडिक्टेबल है। तो जब भी कोई ऐसा थ्रिलर आता है जो रेस अगेंस्ट टाइम वाला आता है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए जिससे आप सीट के ऊपर बैठे रहें। और यहाँ पर तो सोने पे सुहागा ये है कि ये एक साइड पे थोड़ी सी इमोशनल भी होती है, सस्पेंसफुल भी होती है। रेस अगेंस्ट टाइम जैसे मैंने बताया, एक ही रात की कहानी है। एक्शन भी अच्छा खासा सा है। कुछ ब्रोकन रिलेशनशिप्स भी आपको यहाँ पर एक साथ दिखने वाले हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि क्रिसमस ईव पे यानी 24th की नाइट को एक आदमी साइमन को पकड़ लिया जाता है, जो कि बेसिकली एक सीरियल किलर है। और साथ ही साथ में उसको एक प्रिजन जिसका नाम है मोंटे बराको में डाल दिया जाता है। अब ये तो एक कहानी होगी जहाँ का वार्डन है हुगो, जो कि हमारे हीरो साहब हैं। यहाँ पर वार्डन काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके का है, बहुत ही राइचियस है। और अचानक से एक अटैक होता है इसी पर्टिकुलर प्रिजन के ऊपर, जहाँ पर कुछ लोग अब इस इंसान को उठा के लेके जाना चाहते हैं। अब वो साइमन को क्यों लेके जाना चाहते हैं, यह फिगर आउट करोगे। इसने ऐसा क्या किया है वो आप फिगर आउट करोगे। और यही सारी जो चीज़ें हैं कि क्या साइमन जो है वो इनके हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या वो रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो लोग इसको अटैक कर रहे हैं ये अटैक क्यों कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, यही सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंदर इंटरेस्टिंग तरीके से बांध के रखती हैं। और पहले के जो 2 एपिसोड हैं वो इतने ज़्यादा इंगेजिंग हो जाते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो साइमन की दुनिया हो, चाहे वो हुगो की दुनिया हो, चाहे वो प्रिजन की दुनिया हो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि पल्स पाउंडिंग हो जाती हैं, इंटेंस हो जाती है, बहुत तेज तेज चीज़ें चलती हैं। एक्शन भी मतलब एक कन्फाइंड स्पेस, अगर हम बोलें कि एक प्रिजन है, लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड जगह हैं, उसके हिसाब से इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया। जो गन फाइट्स वगैरह भी हैं और बहुत सारे सब प्लॉट्स भी चलते हैं। अब सब प्लॉट्स का वो जिस तरीके से है, जो मुझे एटलीस्ट फील हुआ कि कुछ सब प्लॉट्स जैसे प्रिजन में एक रेबल बन रहा है, या फिर जो और पुलिस वाले हैं उनके अपने ओपिनियन हैं जो कि थोड़े अलग हो सकते हैं हुगो से, थोड़ा अलग हो सकता है ये। हुगो वैसे वही आदमी है जिसने आपने नार्कोस में भी इसको देखा होगा। और साथ ही साथ में और भी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि फिलर्स की तरह यूज़ हुए हैं। तो जो मेन कैरेक्टर्स हो गए आपके, चाहे वो हुगो का कैरेक्टर हो, चाहे साइमन का कैरेक्टर, चाहे फिर ये ग्रुप के जो लीडर है जिसने अटैक किया, वो तो आप ढंग से समझ लेते हो, लेकिन बाकी सब फिलर्स की तरीके से ही होते रहते हैं। अब हुगो की एक्टिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस होनी चाहिए थी, क्योंकि एक ऑफिसर है जो कि राइचियस है, बट उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो कैसे वो, हाउ डज ही गो अबाउट डिफेंडिंग दिस प्रिजन, वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया। साइमन जो है काफ़ी क्रूअल तरीके का इंसान है, साइलेंट आइज हैं, जैसे कोल्ड ब्लडेड टाइप होता है ना, कूल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बट लीथल एट द सेम टाइम। तो लीथल पना बीच बीच में कभी भी दिखाता है वो, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया कैरेक्टराइजेशन भी लगेगा। बाकी सब कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं जो कि फिलर्स की तरह यूज़ हुए, मोस्ट ऑफ द सीरीज में इसी तरीके से यूज़ होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये काफ़ी इंटेंस तरीके से चलती रहती है, और एंड में ऐसा क्यों छोड़ दिया जाता है कि इसका सीज़न 2 भी आएगा। हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है तो आप देख सकते हो। तो काफ़ी मज़ेदार मुझे लगा, और मैं कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेटर सीरीज़ ऑफ नेटफ्लिक्स है। काफ़ी इंगेजिंग है, और ज़्यादा वो भी नहीं है, बड़े सारे एपिसोड भी नहीं है, 6 एपिसोड में ही ख़त्म हो जाती है। तो देखो, इन्जॉय करोगे। मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा इसके लिए 8/10। बाय बाय।